हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की विविध मांगों पर जल्द निर्णय लेने का आश्वासन दिया। बुधवार को सामंत के साथ कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई। सामंत ने आश्वासित प्रगति योजना लागू करने के बारे में 7 दिनों के भीतर निर्णय लेने का आश्वासन दिया। इसके लिए 2022-23 आर्थिक वर्ष में प्रावधान किया जाएगा। जिन कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गई है उन्हें रकम वापस की जाएगी। उल्लेखनीय है कि आश्वासित प्रगति योजना रद्द किए जाने से राज्य भर के विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग लागू नहीं हो सका। उन्होंने कर्मचारियों को वेतन आयोग लागू करने का भी आश्वासन दिया। 52 कर्मचारियों के वेतन संबंधी मुद्दे पर चर्चा के लिए कर्मचारी संगठन से 2 जून को मंत्रालय में चर्चा की जाएगी। इस संबंध में जल्द ही पत्र भेजा जाएगा। इस अवसर पर विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मारुति बोरकर, याकूब शेख, जगदीश रमदम, विलास पंचम, नितिन पालकर, सचिन रामटेके, राजू कुकड़े, विजय ठवले, दिलीप लंगड़े, धनराज लंगड़े, रमेश इंगले, दीपक आष्टनकर, योगेश केवटे, मनोज मोरे, किशोर लोनारे आदि उपस्थित थे। विद्यमान जिला परिषद अध्यक्ष का 2.5 वर्ष का कार्यकाल जून महीने में समाप्त हो रहा है। उसके बाद 17 जुलाई को नया अध्यक्ष कमान संभालेगा। अब तक लेकिन अध्यक्ष पद आरक्षण का रोस्टर घोषित नहीं होने के चलते भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अनेक सीनियर कांग्रेसी जिला परिषद सदस्यों में उत्सुकता बनी हुई है कि किस वर्ग का आरक्षण निकलता है। वैसे ओपन और एसटी वर्ग से अध्यक्ष बनने की ही संभावना अधिक है, क्योंकि ओबीसी वर्ग आरक्षण पर तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया है कि स्थानीय निकाय के चुनाव बनी ओबीसी आरक्षण के ओपन वर्ग से करवाए जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही जिला परिषद अध्यक्ष पद के रोस्टर का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सप्ताह भर में रोस्टर जारी होने की संभावना है। इसके बाद क्लियर हो जाएगा कि किस वर्ग से अगला अध्यक्ष होगा। बताते चले कि नागपुर जिला परिषद में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सत्ता है, राकापा शिवसेना भी साथ है। नियम तो यह है कि अध्यक्ष के कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने पहले ही आगामी जिला परिषद अध्यक्ष किस वर्ग का होगा इसका आरक्षण तय किया जाता है। इस हिसाब से जनवरी 2022 में ही रोस्टर निकलना चाहिए था, लेकिन कोरोना महामारी और अन्य कारणों से इस प्रक्रिया में देरी हुई है। रेलवे स्टेशन के सामने के फ्लाईओवर को तोड़कर यहां पर 6 लेन बनाने की योजना में फ्लाईओवर के नीचे बनी दुकानों के लीज धारकों का आड़ंगा था। हालांकि मनपा की सभा में इन दुकानदारों को दुकान के बदले दुकान और उनकी इच्छा के अनुसार मुआवजा देने का निर्णय लिया गया था। फैसले के अनुसार कुछ लोगों को दुकान के बदले निधि लौटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसी तरह कुछ दुकानदारों को मेट्रो द्वारा बनाए गए अस्थायी दुकानों में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें ईश्वर चिट्ठी निकालकर दुकानदारों को आवंटन किया जा रहा था। 1 सप्ताह पूर्व 23 दुकानदारों का आवंटन हुआ था, किंतु 35 दुकानदार इस प्रक्रिया के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे। मामला अदालत पहुंचने के कारण स्टेशन फ्लाईओवर तोड़ने की प्रक्रिया पर पुनः ग्रहण लगा हुआ था, किंतु अब हाईकोर्ट गए इन 35 लोगों में से 29 दुकानदारों के लिए पुनः नागपुर महानगर पालिका मुख्यालय में शुक्रवार को ईश्वर चिट्ठी निकालकर आवंटन किया गया, जिससे अब स्टेशन फ्लाईओवर तोड़ने की राह आसान होने की जानकारी सूत्रों ने दी। हाल ही में हाईकोर्ट में 35 दुकानदारों की ओर से याचिका दायर की गई थी। देश के अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र ने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी लगाई है। 1 जुलाई से बाजार में किसी भी तरह की प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सार्वजनिक स्थानों पर इस्तेमाल होने वाली विभिन्न वस्तुओं में प्लास्टिक के गिलास, चम्मच, रैपर अब प्लास्टिक के नहीं बनाए जा सकेंगे। 1 जुलाई से इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करने का ठोस निर्णय प्रशासन द्वारा लिया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक उन्मूलन कार्यों को मिशन मोड पर क्रियान्वित करने व उसके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय कृति दल की सभा कलेक्ट्रेट स्थित छत्रपति सभागृह निवासी उप जिलाधिकारी विजय बनकर की अध्यक्षता में हुई। सभा में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के उप प्रादेशिक अधिकारी अनंत काटोले सहित विविध विभाग के विभाग प्रमुख उपस्थित थे। बनकर ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादन व वस्तुओं के उन्मूलन के लिए विभाग आगे आए, नागरिकों में जन जागृति कर प्लास्टिक के दुष्परिणामों के बारे में उन्हें जानकारी दे, इस पर भी ध्यान दे कि नगर पालिका क्षेत्र व बड़े गांव में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न हो। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध के लिए विभाग समन्वय के साथ कार्य करे, प्लास्टिक का योग्य तरीके से उन्मूलन करे, इस आशय के निर्देश दिए गए। सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को एयरपोर्ट से लेकर रामनगर तक बाइक रैली की अनुमति नहीं मिली। पुलिस विभाग ने रैली की अनुमति को ठुकरा दिया, जबकि हनुमान चालीसा के लिए शर्तों के साथ अनुमति दी गई है।
परिसर के भीतर चालीसा पठन के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बाहर समर्थकों सहित अन्य लोगों की भीड़ पर पाबंदी लगाई है। यदि कोई भी अनुचित घटना होती है तो इसके लिए उन्हें ही जिम्मेदार माना जाएगा। राणा दंपत्ति रामनगर मैदान में चालीसा पठन करेगी। इस दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने शुक्रवार को 6 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की और 30,000 रुपए का जुर्माना वसूला। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के मार्गदर्शन में गांधीबाग, सतरंजीपुरा, लकड़गंज और मंगलवारी जोन के उपद्रव खोजी दल द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग के संदर्भ में कार्रवाई की गई। गांधीबाग जोन के अंतर्गत गरुबा मैदान में किशोर भाई प्लास्टिक एंड टेलीफोन एक्सचेंज में चिंतामणि प्लास्टिक दुकान के खिलाफ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की गई और 10,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। सतरंजीपुरा जोन के अंतर्गत मस्कासा चौक इतवारी में हिंगने प्लास्टिक दुकान के खिलाफ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की गई और 5,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। लकड़गंज जोन के अंतर्गत भंडारा रोड पारडी में अली इन ओने मेन्स वेयर दुकान के खिलाफ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की गई और 5,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। इसी तरह मंगलवारी जोन के अंतर्गत इंदुरा चौक कामठी रोड में आशा बियर शॉप या दुकान के खिलाफ कार्रवाई की गई और प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। इसी तरह आशीनगर जोन के अंतर्गत लश्करी बाग में दिनेश वालके के खिलाफ घर का मलबा सामने सड़क में डालने पर कार्रवाई की गई और 5,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। यह कार्रवाई एनडीएस प्रमुख वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में की गई। नागपुर मनपा मानसून की शुरुआत से पहले शहर में बहने वाली नदियों और नालों की सफाई करती है ताकि मानसून के मौसम में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न न हो और नागरिकों को नुकसान न उठाना पड़े। मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी ने शुक्रवार को इस कार्य का निरीक्षण कर सफाई होने वाली जगहों पर स्थानीय नागरिकों से बातचीत की। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को नागरिकों की शिकायतों का तत्काल समाधान करने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि नागपुर महानगर पालिका ने गत 12 अप्रैल से शहर में नाग नदी, पीली नदी और पोहरा नदी सहित नालों की सफाई का कार्य हाथ में लिया है। नाग नदी, पीली नदी और पोहरा नदी पर स्वच्छता कार्य जारी है। स्वच्छता विभाग की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि जून के प्रथम सप्ताह में नदी व नाले की सफाई का कार्य पूरा कर लिया जाए। महाराज बाग उद्यान से बहने वाला नाला, वेस्टर्न कोल्डफील्ड के पास विकास नगर नाला, फ्रेंड्स कॉलोनी का नाला, जिंगाबाई टाकली में एसआरए बिल्डिंग के पास पीली नदी का क्षेत्र, मानकापुर सदिच्छा कॉलोनी से गुजरा नाला और राजपूत होटल से अशोक चौकी और बहने वाले नॉर्थ कैनल का मनपा आयुक्त ने जायजा लिया। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 2,707 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 5,22,000 रुपये का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 15 मामलों में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 15,000 रुपये का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 3 मामलों में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 1,29,000 रुपये का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए निगम के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोर्बेवैक्स टीका उपलब्ध होगा। टीका सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। महंगाई के दौर में घर बनाने वालों के लिए आंशिक राहत की खबर आई है। मार्केट में प्रति बोरी सीमेंट की कीमतों में 30 रुपए तक की कमी दर्ज की गई। 415 से 420 रुपए बोरी बिकने वाले सीमेंट के दाम अब मार्केट में 380 से 385 रुपए के स्तर पर आ गए हैं। थोक सीमेंट में भी नरमी का रुख है, जिसके कारण आवाज बनाना आसान हो गया है। व्यापारियों ने बताया कि कंपनियां औसतन 10 से 15 दिनों में रेट बदलती है। पिछले काफी समय से दरों में केवल वृद्धि देखी जा रही थी, काफी समय के बाद सीमेंट की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। कमी आगे भी बरकरार रहती है तो निश्चित रूप से निर्माण सेक्टर को राहत मिलेगी। इस बीच नाग विदर्भ ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल मिहाड़ी ने बताया कि ईंट की कीमतों में और आग लग गई है। 7,000 रुपये प्रति हजार बिकने वाला ईंट अब 8,000 से 8,500 रुपये प्रति हजार तक पहुँच गया है। यही ईंट सामान्य दिनों में 5 से 5,500 रुपये में उपलब्ध था, लेकिन डीजल, कोयले की बड़ी कीमतों से उत्पादकों को कीमत बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है।
महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी का जनाक्रोश मोर्चा औरंगाबाद में चल रहा है। इस रैली में शामिल होने से पहले देवेंद्र फडणवीस ने क्रांति चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राज्य सरकार को फिर एक बार चुनौती दी है। उन्होंने कहा, हम भ्रष्टों की भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने आए हैं, अब यहाँ की सत्ता बदलनी है, हम फिर से आएंगे। रैली के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार शिवसेना के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। महिलाओं ने भी खाली बर्तन बजाकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। रैली की शुरुआत करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि यह औरंगाबाद के लोगों का आक्रोश है। शिवसेना पानी के लिए आधा किलोमीटर पाइपलाइन भी नहीं बना पाई। औरंगाबाद को पानी मिलने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। फडणवीस ने कहा, उद्धव सरकार लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। वे मुंबई में बैठकर नौटंकी कर रहे हैं। फडणवीस ने कहा, लोग उन्हें उनकी जगह दिखाएंगे। फडणवीस ने आगे कहा, जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने औरंगाबाद में पानी की समस्या के हल के लिए 1680 करोड़ मंजूर किए थे, लेकिन वर्तमान सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं कर रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेल नागपुर के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त पंकज चूक के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन माउंट रोड स्थित ऑफिसर्स रेल क्लब में किया गया। स्पर्धा में 55 से अधिक रेल अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। फोटोग्राफी स्पर्धा में दक्षिण रेलवे के रविचंद्रन ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के IPF गणेश गर्कल को दूसरा स्थान मिला। मेट्रो रेल के मनीष कुमार ने तीसरा स्थान हासिल किया। वीडियोग्राफी स्पर्धा में नॉर्थ वेस्ट रेलवे के अजय कुमार, सदर्न रेलवे के गणेश तथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के संजीव राय क्रमश पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। सभी विजेताओं का अपर मंडल रेल प्रबंधक के सूर्यवंशी के हाथों पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर सीनियर DSC चूग, ASC देशपांडे, SS वराट पांडे, चंद्र प्रकाश, ए सहारे, सचिन पांसे की प्रमुख उपस्थिति रही। उत्तर नागपुर के कलमना इलाके में पानी की भीषण समस्या से जूझ रहे नागरिकों ने नागपुर महानगर पालिका के खिलाफ एक जनसभा बुलाई। यह सभा कलमना नागराज नगर विकास समिति की ओर से दत्त मंदिर के सामने संपन्न हुई। सभा की अध्यक्षता छाया उके ने की। शहर विकास मंच के संयोजक अनिल वासनिक, युवा संस्था के नितिन मेश्राम, महिला नेता विमल बुलबुले, राजकुमार वंजारी मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित थे। मंच पर नीलेश खड़से, शीला सपकाल, पानी हक समिति के कार्यकर्ता प्रवीण बोरकर और आकाश पवार मौजूद थे। कलमना क्षेत्र के नागरिकों ने जनसभा में मुद्दे उठाए। वही वक्ताओं ने कहा कि जल का अधिकार सभी को है। इस दौरान विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें कलमना जल कुंभ से पानी की आपूर्ति, कलमना नागराज नगर दत्त मंदिर क्षेत्र में बस्तियों को जल पाइपलाइन के माध्यम से पानी की आपूर्ति, वाजपेयी नगर, नर्मदा नगर, बेले नगर, कलमना नगर में पानी की समस्या का उन्मूलन और गैर जलीय क्षेत्र में टैंकर द्वारा नियमित रूप से पानी की आपूर्ति शामिल है। सभा का संचालन नीलेश खड़से ने किया और शैलेंद्र वासनिक द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया। सभा में वंदना जांबुरे, वनिता नेवारे, साधना जगने, सुहासिनी बागड़े, रामशंकर कुशवाहा समेत बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। सावनेर स्थित अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल में स्कूल के प्राचार्य ने उपस्थित स्टाफ के साथ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्र ने ऑनलाइन अपने विचार विद्यार्थियों से साझा किए। प्राचार्य ने कहा कि बच्चों के प्रिय स्वतंत्र भारत के पहले और सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह 58वीं पुण्यतिथि है। पंडित नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश याद कर रहा है। पंडित नेहरू लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद में विश्वास रखते थे। साल 1955 में पंडित नेहरू को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बच्चे प्यार से उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे और बच्चे 14 नवंबर को उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। स्कूली विद्यार्थियों ने नेहरू के चित्र तैयार किए, कुछ विद्यार्थियों ने स्लोगन लिखे तो कुछ विद्यार्थियों ने अपने अपने विचार भाषण के माध्यम से एवं PPT स्कूल के साथ साझा किए। स्कूल के संस्थापक पूर्व कृषि मंत्री रंजीत बाबू देशमुख, प्रतिष्ठान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. आशीष देशमुख ने स्कूल के उपक्रम की सराहना करते हुए सहभागी विद्यार्थियों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं का अभिनंदन किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 का निषेध कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम निवेदन नागपुर की जिलाधिकारी आर विमला को दिया गया। श्री दिगंबर जैन महासमिति, अखिल दिगंबर जैन साइतवाल संस्था, दिगंबर जैन युवक मंडल, महावीर यूथ क्लब, पुलक जैन चेतना मंच आदि संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने यह ज्ञापन सौंपा।
इस अवसर पर श्री दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष अभय कुमार पनवेलकर, महासमिति के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नखाते, प्रदेश महामंत्री दिलीप सावलकर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जैन, पूर्व प्रदेश महामंत्री सुधीर आगरेकर, पुलक जन चेतना मंच के शरद मचाले, रमेश उदयपुरकर, अरविंद हनवंते, विनय जुननकर, दिगंबर जैन युवक मंडल के प्रशांत भुसारी, प्रमोद भागवतकर, मनोज गिल्लरकर, संतोष सावलकर, शशिकांत बानाई आदि उपस्थित थे। निवेदन प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा जाएगा, यह आश्वासन जिलाधिकारी ने प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को दिया। मध्य रेलवे के नागपुर मंडल द्वारा मंडल रेल प्रबंधक ऋचा खरे के कुशल मार्गदर्शन में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कृष्णनाथ पाटिल और वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक आशुतोष श्रीवास्तव के नेतृत्व में और बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट टीम के निरंतर प्रयासों से पहली बार नागपुर मंडल के अजनी गुड शेड से 26 मई को मल्टी पार्टी तथा मल्टी कमोडिटी माल नेपाल भेजा गया। इस कंसाइनमेंट में बुट्टी बोरी से मेसर सिंडोरामा प्राइवेट लिमिटेड का 400 टन कॉटन भेजा गया। उसी तरह वनी से मेसर डिलाइट केमिकल प्राइवेट लिमिटेड का 300 टन लाइम पाउडर एवं प्रेम कुमार झवर ट्रेडर नागपुर का 120 टन दाल स्टेशन दानापुर डिवीजन तक भेजा गया। इससे आगे यह कंसाइनमेंट नेपाल भेजा जा रहा है। मेसर स्प्लेंडिड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नागपुर के संचालक मनोज चाको तथा विनोद लाड़े ने बताया कि इस तरह के मल्टी कमोडिटी रेक के यातायात को वह हफ्ते में एक बार चलाने की योजना कर रहे हैं। भविष्य में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है। इस एक पहल से रेलवे को लगभग 21 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई है। खासदार क्रीडा महोत्सव के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए वॉकथॉन स्पर्धा का आयोजन नंदनवन स्थित केडीके कॉलेज के सीमेंट रोड पर किया गया। स्पर्धा 60 से 70 वर्ष, 71 से 80 वर्ष एवं 81 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष एवं महिलाओं के लिए थी, जिसमें सभी ग्रुप के पहले स्पर्धा पूरी करने वाले 20 स्पर्धकों को चुना गया, जिसमें 60 से 70 वर्ष के पुरुष ग्रुप में लोकमंच ज्येष्ठ नागरिक मंडल के विजू भगत एवं 70 से 80 वर्ष के महिला ग्रुप में इंदुमती खोबरागड़े चुने गए। विजेताओं को विधायक कृष्णा खोपड़े, पूर्व महापौर राजेंद्र लोखंडे, पूर्व नगर सेवक हरीश डिकोंडवार, मालती मामिडवार आदि अतिथियों के प्रमुख उपस्थिति में मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। स्पर्धा में सम्मिलित हुए सभी पुरुष एवं महिला स्पर्धकों को प्रमाण पत्र दिए गए। लोकमंच ज्येष्ठ नागरिक मंडल के अध्यक्ष रमेश जांगड़े एवं सचिव डॉक्टर दीपक शेंडेकर, ज्येष्ठ नागरिक गार्डन क्लब के अध्यक्ष वामन सालवे एवं रुक्मिणी नगर ज्येष्ठ नागरिक मित्र मंडल के अध्यक्ष मोतीराम खोबरागड़े तथा कार्याध्यक्ष श्रावण शेंद्रे ने सभी विजेता एवं स्पर्धकों का अभिनंदन किया है। स्पर्धा में कैप्टन प्रभाकर विंचुरकर, विजय नावकरकर, आनंद नासरे आदि वरिष्ठ नागरिकों एवं लोकमंच ज्येष्ठ नागरिक मंडल के सदस्यों ने हिस्सा लिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का 27 मई 1964 को स्वर्गवास हुआ था। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर विदर्भ सेवा समिति की ओर से गांधी सागर चाचा नेहरू बालोद्यान हुतात्मा स्मारक नागपुर में उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद कर उनकी जीवनी पर पूर्व नगर सेविका हर्षला मनोज साबले ने प्रकाश डाला। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश को प्रगति के पथ पर ले जाने वाले खास पथदर्शक थे। वे अंतर्राष्ट्रीय नायक के रूप में पहचाने जाते थे। वे 1954 में भारत रत्न से अलंकृत हुए थे। नेहरू के कार्यकाल में लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करना, राष्ट्र और संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को स्थायी भाव प्रदान करना और विविध योजनाओं के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू करना उनका मुख्य उद्देश्य था। श्रद्धांजलि समारोह में सर्वश्री विदर्भ सेवा समिति के कार्याध्यक्ष डॉक्टर संतोष मोदी, पूर्व नगर सेवक मनोज साबले, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के पूर्व महामंत्री अशोक त्रिवेदी, वरिष्ठ समाजसेवी भगवानदास राठी, राजू उमरेटकर, सनी गणवीर, दिलीप पाटने, नरेंद्र अनासने, विजय नायर, मीना राउत, प्रिया गणवीर आदि उपस्थित थे। हाल ही में मुंबई स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक एन कार्तिकेयन नागपुर अंचल के दौरे पर आए। उनके साथ पुणे स्थित एनबीजी पश्चिम के महाप्रबंधक राधाकांत होता भी थे। बैंक ऑफ इंडिया नागपुर अंचल ने 23 मई से 26 मई 2022 तक एक वृहत ऋण संवितरण अभियान की योजना बनाई थी। इन चार दिनों के दौरान अंचल ने कुल 125.62 करोड़ रुपए का ऋण संवितरण किया, जिसमें कृषि ऋण 31.48 करोड़ रुपए, गोल्ड लोन में 13.25 करोड़ रुपए, खुदरा ऋण में 25.27 करोड़ रुपए तथा एमएसएमई के अंतर्गत 55.62 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। दोनों अधिकारियों ने इस अवसर पर ग्राहकों के साथ साथ बैंक कर्मचारियों के साथ भी वार्तालाप किया। महाप्रबंधक राधाकांत होता ने अपने उद्घाटन भाषण में उल्लेख किया कि बैंक और ग्राहकों के बीच आपसी संपर्क में सुधार किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उनका मानना था कि टर्न अराउंड टाइम को कम करना बैंक जैसे सेवा उन्मुख उद्योग के लिए कारोबार के फलने फूलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कर्मचारियों को अनुदेश दिए कि ग्राहकों के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तत्पर रहे। कार्यपालक निदेशक एन कार्तिकेयन ने उपस्थित ग्राहकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। संपूर्ण भारत में अपनी वाणी और लेखनी से जनमानस को प्रभावित करने वाले आचार्य संदेश भालेकर का कोविड की चपेट में आकर गत वर्ष अप्रैल 2021 में निधन हो गया था। समता सैनिक दल बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए कार्य करने के पश्चात उन्होंने राजनीति को तिलांजलि देकर अपना पूरा ध्यान साहित्य की ओर खींचा। पुणे में जाकर उन्होंने ओशो के आश्रम से ध्यान अर्जित कर स्वयं को समर्पित कर दिया। उनकी पहली किताब डॉक्टर अम्बेडकर और ओशो में दोनों महापुरुषों की विचारधाराओं का तुलनात्मक अभ्यास किया। उनकी दूसरी किताब बुद्ध क्रांति के उद्घोष में उन्होंने मानवता पर हो रहे अन्याय के विरुद्ध बुद्ध वचनों में क्रांति की झलक सामने लाई। अपनी तीसरी किताब ओशो ऑन बुद्धा से साबित किया कि ओशो विद्वत्ता के धनी थे। चौथी किताब अम्बेडकरवाद का यथार्थ में डॉक्टर अम्बेडकर का नाम उन्हीं के अनुयायी किस प्रकार धूमिल कर रहे हैं इसका संकेत दिया। पांचवी किताब अम्बेडकर विरुद्ध अम्बेडकर में डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को अम्बेडकरी जनता द्वारा भुलाए जाने का संकेत दिया। उनकी पहली किताब डॉक्टर अंबेडकर और ओशो का गुजराती भाषा में अनुवाद हुआ है और तीसरी किताब ओशो ऑन बुद्धा को भंते नाग घोष ने हिंदी में बुद्ध वचनों के अमृतकण के नाम से अनुवादित किया है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।